इंदौर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल बेलेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा यहां पर नोटिस देकर नगर निगम को से भी जानकारी मांगी गई है। सरकार से मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण का स्टेटस रिपोर्ट को लेकर यहां पर पेश करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद त्रिवेदी ने के अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता आदित्य मनीष यादव के माध्यम से यहाँ पर 2 अलग अलग जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। मामले में मृतकों को 25 लाख के मुआवजे की मांग एवं दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई करने के लिए उन्हें दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ा ही दुखद हादसा रामनवमी के पावन पर्व पर 30 मार्च 2023 को हुआ था। उसी के कुछ समय बाद हमने ये जनहित याचिका पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी के माध्यम से दायर की थी और हमने विभिन्न मांगें की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने नगर निगम से और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट से स्पेसिफिक रूप से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। प्लस सरकार पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से ये मांगा है कि मजिस्ट्रियल जांच जो आपने की है उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। और आज तक FIR दर्ज होने के बाद 6 माह में 8 माह में चालान क्यों नहीं प्रस्तुत किया, ये स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगी है। बहस के दौरान एक मुद्दा मुआवजे को लेकर भी उठा था, तो सरकार का ये कहना था कि हम 50,000 मुआवजा दे चुके हैं, जिस पर भी कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए ये पूछा है कि उस 50,000 के मुआवजे की वसूली आपने बेलेश्वर ट्रस्ट से की क्या, क्योंकि जब बेलेश्वर ट्रस्ट इस घटना का जिम्मेदार है तो फिर मुआवजा सरकार क्यों दे। इन्हीं सब बातों को लेकर कोर्ट ने आज 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।